भगत बोलना क्या मैं पक्का अपनी बात का भरोसा सब पे करता हूँ विश्वासघात का। हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष और स्वागत है आपका आसमुक नॉलेज द एडुटेक इन्फॉर्मेटिव चैनल पे। तो फ्रेंड्स, ये कोई एडुटेक वीडियो नहीं है, ये जस्ट एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आसमुक नॉलेज चैनल के बारे में, क्योंकि आज आसमुक नॉलेज चैनल ने 1 ईयर कंप्लीट कर लिया है। तो ये वीडियो मैंने खास बनाई है आपको थैंक्स बोलने के लिए और आपको अपने 1 साल की जर्नी दिखाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज ही के दिन 2017 में मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था, अपनी पहली वीडियो डाली थी। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड फॉर योर सजेशंस, जो हम आज यहाँ पे हैं, हमने 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा अपने उस दोस्त का जिसने मुझे बातों ही बातों में सजेशन दिया कि यार तेरे को यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा हाँ यार, कुछ काम तो है नहीं खास करने को और टाइम पास भी बढ़िया हो जाएगा, तो मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा अपने उस दोस्त को जिसने मेरी पहली वीडियो एडिट करवाई, अपलोड करवाई, चैनल बताया भैया कैसे क्रिएट करते हैं। तो थैंक यू सो मच यार, और मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिसने मुझे सपोर्ट किया, सब्सक्राइब किया, मुझे सजेशंस दिए, और मैं आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आता रहूँगा और ऐसे ही हम बढ़ते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, जब मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो अपलोड करी, तो जब फर्स्ट वीडियो हम अपलोड करते हैं तो यार कितने व्यूज़ आते हैं उस पर, वही 200-150 व्यूज़ आते हैं। वो भी कब आते हैं, जब हम वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर इतने होते नहीं हैं तो आपको शेयर करनी पड़ती है। तो सर सोशल मीडिया पे आप शेयर कर देते हैं वीडियोस को, तभी उस पर व्यूज़ आते हैं। तो जब मैंने वीडियो शेयर करी तो यार काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लोगों ने देखा कि अच्छा आशीष ने यूट्यूब चैनल बनाया, तो काफ़ी अच्छा अप्रिशिएशन मिला, लोगों ने वीडियो देखी, चैनल को सब्सक्राइब भी किया। फिर उसके बाद मैंने सेकंड वीडियो डाली तो उस पर इतना अच्छा रिस्पांस नहीं था, क्योंकि मेरा जो कंटेंट था वो एकदम टेक्निकल था, तो हमारा जो सर्कल होता वो सारा तो टेक्निकल नहीं होता ना, और ना ही लोग इंटरेस्टेड होते हैं इतने टेक्निकल कंटेंट में। अगर आप एंटरटेनमेंट की वीडियोज़ बना रहे हैं तो हो सकता है कि आप ज़्यादा ट्रैफिक लेके आ पाओ। तो जब मैंने थर्ड वीडियो डाली तो उस पर मेरे को और सही रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो ऐसे क्या हुआ ना, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आप निराश हो जाते हो कि यार अब मैं क्या करूं, यार वीडियोस चल नहीं रही हैं। क्योंकि जब आप नया चैनल स्टार्ट किया है तो आपके मन में ये रहता है कि यार जल्दी जल्दी से सब्सक्राइबर्स बढ़ा लूं, जल्दी जल्दी से व्यूज़ आएँ और अच्छा चलने लग जाए चैनल, बट ऐसा नहीं होता। तो मैंने भी ऐसा सोचा कि यार मैं कुछ ऐसा डालूं जिससे कि पब्लिक अट्रैक्ट हो, ट्रैफिक ज़्यादा से ज़्यादा आए और मतलब मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े, व्यूज़ अच्छे आएँ, तो ऐसा करने के लिए। बट मेरा फोकस यही था कि जो भी मैं वीडियोस डालूं वो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हो। तो मैंने काफ़ी मतलब क्विक क्राफ्ट्स की वीडियोस बनाई, टी शर्ट प्रिंट करके दिखाई, ये लोगों भी उसी में से प्रिंट किया था। तो और उसके बाद फिर गैजेट्स एंड एक्सेसरीज़ के बारे में बताया, अनबॉक्सिंग करना शुरू कर दी, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वीडियोज़ डाली, वीडियोज़ को फ़नी भी बनाया, बट वीडियोज़ इतनी नहीं चली, मतलब रिस्पॉन्स वही रहा थोड़ा हल्का फुल्का सही। बट फिर मैंने क्या किया, दोबारा से मैं टेक्निकल पे आया, कोर टेक्निकल पे, फिर मैंने वीडियो डाली वर्नियर कैलिपर के बारे में, जो कि मेरी वीडियो और काफ़ी अच्छी चली और एकदम से वो बढ़ गई, मतलब व्यूज़ उसके बहुत तेज़ी से बढ़े और उसी वीडियो ने मेरे को सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स भी दिए। तो फ्रेंड्स, वो वीडियो जब मैंने डाली तो उसके बाद सब्सक्राइबर बढ़ने लग गए, टेक्निकल टीम थी जो हमारी वो और ज़्यादा वॉस्ट हो गई, तो फिर लोगों ने सजेशंस देना स्टार्ट कर दिया, आइडियाज़ देना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है कि जब आप वीडियोस बनाते हो, वीडियोस इतनी चल नहीं रही हैं, सब्सक्राइबर इतने हैं नहीं, तो आपके भी दिमाग में आइडियाज़ आने बंद हो जाते हैं कि यार अब किस चीज़ पर वीडियो बनाऊँ, यार वीडियो चल तो रही नहीं है, अब किस पर बनाऊँ। बट फिर उसके बाद जब वो वीडियो चली, सब्सक्राइबर मेरे बढ़ने लग गए, तो लोगों के सजेशंस आने लग गए, आइडियाज़ आने लग गए, मेरे अंदर आइडियाज़ और ज़्यादा फिर अच्छे क्रिएट होने लग गए, तो बहुत हेल्प मिली मुझे इस चीज़ से। और फिर अब मेरे को सोचना नहीं पड़ता कि यार किसके बारे में वीडियो बनानी, क्योंकि बहुत सारे आप लोग कमेंट करते हो कि भाई इसके बारे में वीडियो बनाओ, इसके बारे में वीडियो बनाओ। तो मैंने एक लंबी लिस्ट बना रखी है कि मतलब मैं क्या क्या वीडियोज़ बना चुका हूँ और क्या क्या मुझे वीडियोज़ बनानी है, क्या क्या आपने सजेशंस दिए हैं, तो उन सभी मैं वीडियोस बनाऊंगा, मतलब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको कंटेंट लाने की, अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि यार क्या ना, एक्चुअली मैं फुल टाइम जॉब करता हूं, तो पूरे दिन यार ऑफिस में काम करो, उसके बाद घर पे भी कुछ काम वाम पड़ जाते हैं, तो जितनी भी यार मेरी वीडियोज़ होती हैं मैं सारी रात में ही शूट करता हूं, 11-12 बजे के बाद ही, क्योंकि उसके 11-12 बजे के बाद कोई डिस्टर्ब करने वाला होता नहीं है, कोई फ़ोन फान आता नहीं है, कोई बुलाता नहीं है, तो आप विदाउट एनी डिस्टर्बेंस वीडियोस बना सकते हो। तो सारी वीडियोस मेरी जितनी भी होती हैं रात को ही मैं शूट करता हूँ, और मेरी वीडियो जब तक नहीं आती है बस कि जब तक मैं उसे शूट नहीं कर लेता। एक बार जब मैंने वीडियो शूट कर ली तो यार मैं उसी रात को फिर मैं उसे एडिट करता हूँ, उसी रात को मैं उसे अपलोड करता हूँ। और रात में अपलोड करने का मज़ा क्या है कि यार ट्रैफिक कम रहता है, नेट स्पीड भी अच्छी आती है, तो मैं इजीली वीडियो अपलोड कर देता हूँ।
आप में से कई लोगों ने नोटिस भी किया होगा, मतलब जितनी मेरी वीडियोस आती हैं सब में मतलब रात को कोई 1:30 बजे डाल रहा हूँ, कोई 2:30 बजे डाल रहा हूँ, कोई 3 बजे डाल रहा हूँ, कोई 4 बजे भी आती है। तो जैसे जैसे मतलब काम हो जाता है उसी वक्त मैं उसे अपलोड कर देता हूँ। तो 2017 में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया जब तक मैंने वर्नियर कैलिपर की वीडियो नहीं डाली थी 2017 के एंड तक। तो 6 महीने मुझे लग गए थे यार 500 सब्सक्राइबर्स में आने में, और उसके बाद 6 महीने में मेरे 10,000 सब्सक्राइबर क्रॉस हो गए। तो यार ये बहुत खुशी की बात है। तो थैंक यू सो मच यार जो आप लोगों ने मेरे को सब्सक्राइब किया और आप मुझे सजेशंस देते हो, आइडियाज़ देते हो वीडियोस बनाने के लिए, थैंक यू सो मच। बस मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छा अच्छा कॉन्टेंट लेके आता रहूँगा और हमारी फैमिली बड़ी होती जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स फ्लैशबैक में चलते हैं और देखते हैं आस्क टेक्नोलॉजी चैनल की 1 साल की जर्नी की, कैसे कैसे मैंने स्टार्ट किया था। जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे यार मेरे पर मोबाइल फ़ोन भी नहीं था शूट करने के लिए वीडियोस, मतलब कि था मेरे पास बट वो ख़राब हो चुका था। तो कभी मैं सिस्टर से लेता था कि यार फ़ोन दे दे मेरे को वीडियो बनानी है, या फिर मैं पापा से ले रहा हूँ कि पापा यार फ़ोन दे दो मेरे को वीडियो बनानी है, उन्हीं के फ़ोन से वीडियो एडिट करता था फिर उन्हें अपलोड करता था। तो 2 महीने तक यार मैंने ऐसे ही किया, फिर फाइनली मैंने फ़ोन ले लिया HTC 10, जिसकी मैंने अनबॉक्सिंग भी आपको करके दिखाई थी। जब स्टार्टिंग में बनाना शुरू किया था वीडियोस तो यार इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था, इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था, फिर धीरे धीरे से कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, सीखा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला भाई कैसे वीडियो एडिट करी जाती है, कैसे शूट की जाती है, कैसे एक मतलब परफेक्ट वीडियो बनाएं जो कि मतलब ऑडियंस तक पहुँच पाए और हम क्लियरली जो हम बोलना चाहते हैं कहना चाहते हैं वो समझ पाए उस चीज़ों को। तो धीरे धीरे इंप्रूव किया मैंने अपने आप को और ऐसे इंप्रूव करता जाऊंगा। बस आप अपना सपोर्ट बरकरार रखना, वीडियोस को लाइक और शेयर करके बस मुझे मोटिवेट करते रहना। ये जो मैं कर रहा हूँ ना पसीना, मैं हर वीडियो में पहुँचता हूँ बट इसे कट कर देता हूँ क्योंकि यार पंखा बंद करके वीडियो बनानी पड़ती है और AC है नहीं घर में, गरीब आदमी हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स 1 साल की जर्नी देखते हैं आस्क टेक्नोलॉजी चैनल की और चलते हैं फ्लैशबैक में। Hi guys, this is Ashish and you're watching Ask Technology. And today in this video, I want to explain to you about the profile projector. What is a profile projector, how it can be used, and what are the basic features of a profile projector. In short, this is an introduction to profile projector. हेलो दोस्तों, मैं आशीष और आप देख रहे हैं आस्क टेक्नोलॉजी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों मेरे हाथ में एक रिमोट लगा हुआ है। एक्चुअली इस वीडियो में मैं आपको इस रिमोट से रिलेटेड कुछ बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों इस तरह हमने टेस्ट किया अपने रिमोट को कि हमारा रिमोट सही है या खराब। प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए। तो दोस्तों अगर आपको किसी और टॉपिक के बारे में जानना हो या फिर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे जानना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेरे FB पेज को लाइक कर सकते हैं आस्क टेक्नोलॉजी। सो फ्रेंड्स होप यू लाइक दिस वीडियो। फ्रेंड्स मैं आशीष और आप देख रहे हैं आस्क टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों सर्दियों में सुबह सुबह नहाने के लिए गर्म पानी को लेकर एक समस्या हमारे पास सामने आती है। हेलो दोस्तों मैं आशीष और आप देख रहे हैं आस्क टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों सर्दियों में सुबह सुबह नहाने के लिए गर्म पानी को लेकर एक समस्या हमारे सामने आती है, तो उस समस्या का एक आसान सा समाधान लेके आया हूँ मैं आपके लिए इस वीडियो में। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हम घर पे कि घर पे हम एक चीपेस्ट वाटर हीटर कैसे बना सकते हैं, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। तो चलिए बनाते हैं वाटर हीटर। Hello friends, this is Ashish and you're watching Ask Technology. And first of all, I want to wish you a very, very happy Diwali 2017 in advance. So friends, in this video, I will show you the unboxing of Samsung Galaxy A5 2017. So without wasting any time, let's start the unboxing. Hello, mic testing. Hello friends, this is Ashish and you're watching Ask Technology. And today in this video, I'm explaining you about the profile projector. What is a profile projector, how it can be used, and what are the basic features of a profile projector. In short, it is an introduction to profile projector for those who are the beginner or the fresher in the field of mechanical engineering, and for those who are interested in measuring instruments. So guys, let's get started. तो फ्रेंड्स ये ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है बोया मीवाई M1 माइक्रोफोन से। तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी आपको इसकी ऑडियो क्वालिटी और फ्रेंड्स कैसा है इसका नॉइस सेपरेशन। नजर से मिलाई मजा आ गया मेरे रश के काम। अरे लाला ने टंकी देखे भरी की ना भरी क्या? अरे आप फोन साइड में रख के ना टंकी देखे हर समय फोन। मम्मी क्या नौटंकी है? नौटंकी ना है टंकी देखे गाने सुन रहा बनाऊ तो अभी सोनू निगम जा रहा हूँ अभी। हेलो फ्रेंड्स दिस इज आशीष एंड वेलकम ऑन आस्क टेक्नोलॉजी। दोस्तों आपकी उस समस्या का समाधान मैं लेके आया हूं आपके लिए इस वीडियो में।
क्या वो हंसने नहीं है? बत्ती मुझे उधर करना है। वाह भैया, जैसे प्रियंका करती है। ये ले अब खेचे से बिक। क्यों? एक सेकंड सेल्फी जा रही है। एक मिनट हंसी आ रही है। बस आ। रुक जा, आ रही है। आ जाओ। ये ले। आपने देखा होगा कई बार जब हमको, अरे यार नेहा देखियो माइक ही नहीं लगाया और बोले जा रहा हूँ, तो उसमें क्या होता है ना, कैमरे का इशू नहीं होता, उसमें इशू आता है लाइटिंग का। देख नेहा फिर तू सो गई, मतलब तू एक बार तू खराब करवा दे, एक बार मैं खराब करवा दूँ, ना ऐसे ही लगते रहेंगे, ऐसे करते रहते पूरी रात। ये ले अब ले इससे सेल्फी। क्यों, अब के इसमें नया कैमरा डलवा है? अरे ले तो सही तू। रुक एक सेकंड, अब ले। वाह भैया थैंक यू। गलत हो गया, तू इतनी जल्दी फोटो खींच गई। तो टॉलरेंस को भी हमारी फर्दर क्लासिफाई किया गया है, जैसे कि यूनिलेटरल टॉलरेंस। तो धीरे धीरे इम्प्रूव किया मैंने अपने आप को और ऐसे इम्प्रूव करता जाऊंगा। बस आप अपना सपोर्ट बरकरार रखना, वीडियोस को लाइक और शेयर करके बस मुझे मोटिवेट करते रहना। ये जो मैं कर रहा हूँ ना पसीना, मैं हर वीडियो में पहुँचता हूँ बट इसे कट कर देता हूँ, क्योंकि यार पंखा बंद करके वीडियो बनानी पड़ती है और एसी है नहीं घर में, गरीब आदमी हूँ। तो फ्रेंड्स ये सब था आस्क टेक्नोलॉजी चैनल की एक साल की जर्नी के बारे में। और यार ग्रीन स्क्रीन पे रिकॉर्डिंग कर करके मैं थक चुका था, इसलिए फिर मैंने ये वॉल लगाई ताकि यार मैं जल्दी जल्दी वीडियोस को एडिट कर सकूं, क्योंकि यार ग्रीन स्क्रीन पे क्या है ना, एडिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। वॉलपेपर लगाओ, पीछे सेटिंग्स करो, जब जाके कलर करेक्शन होती थी और जब जाके कुछ बैकग्राउंड लगता था। तो फ्रेंड्स इस जर्नी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं मुझसे, आपको कैसी लगी मेरी एक साल की जर्नी, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स मुझे मोटिवेट करिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और आपके लिए मैं अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आता रहूँगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, कीप डूइंग एंड बी टेक्निकल। भगत बोलना काम पक्का, अपनी बात का भरोसा सब करता हूँ, डर विश्वासघात का।